पैसों की दुश्मनी निकालने अपनाया आस्की का रास्ता। प्रेमिका के साथ मिलकर आरोपी ने फिर सर धड़ से किया अलग। मैहर जिले से एक जघन्य अपराध सामने आया, जिसे सुनकर हर कोई दहल गया। पूरे मामले का जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। दरअसल मामला मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र का, जहां पर 15 नवंबर को ग्राम करही में बिना सर के एक अज्ञात को मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मृतक की शिनाख्त रीवा निवासी शैलेंद्र तिवारी के नाम से की। हालांकि मृतक का सर तलाश करने में पुलिस को 2 दिन लग गए। पूरे मामले पर आज मैहर पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने खुलासा करते बताया कि आरोपी राजोल साकेत निवासी रीवा दोनों एक ही गांव के रहने वाले। मृतक से मोबाइल लेनदेन को लेकर दोनों में पैसों का विवाद चला, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका से मृतक को अपने प्रेम जाल में फंसाने को कहा। तकरीबन महीने भर बात होने के बाद प्रेमिका ने आरोपी के साथ षड्यंत्र रचकर मृतक शैलेंद्र को मिलने बुलाया और अमरपाटन थाना क्षेत्र के ग्राम करही में सर कलम करके उसको मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी सूरत चला गया, जिसके बाद पुलिस ने गुजरात के सूरत से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने से आरोपी उसकी प्रेमिका को भी गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने मारपीट करने का उसका वीडियो भी बनाया है। हालांकि दोनों आरोपियों पर पुलिस हत्या का मामला पंजीबद्ध करते न्यायालय पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।